की खबर आ रही है। तेजा सिंह समुद्री हॉल च नवे प्रधान की चोण को लैके सरगर्मियां तुहानू विखाउण वाले असी। डेलीगेट जड़ा है मौके पर मौजूद है, अकाली दल 600 तो वध डेलीगेट मौके पर मौजूद है। थोड़ी देर पहला सिकंदर सिंह मलूका संबोधित कर रहे सी, कार्रवाई लगातार जारी है। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ते जगमीत बराड़ ने भी संबोधित किया है। सीधा तस्वीर तुहानू विखाउण की कोशिश करांगे। खुशी भरिया ते इतिहासिक दिन है, जो पंथ की बहुत कुरबानी वाली जथेबंदी है, जिसते प्रधान दी तुसी बड़े जोश खरो। सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते थोड़े फैसले मुताबक खुशी नाल कीता है। ते फिर ऐलान करदा कि प्रधान साहब सर सुखबीर सिंह जी बादल सर्वसम्मति नाल चुने गए संगत सर। हुण सारयां नूं बेनती, अगली कार्रवाई पहला मते पढ़े जाणगे, एक एक जाना सीनियर एक मता पढ़ेगा, एक मता पढ़ेगा, उस तो बाद फिर सीनियर दो तीन बंदे लगातार तुसी वेख रहे हो। मजीद तायत जगमीत सिंह बराड़ ने की है सर्वसहमति नाल फिलहाल सुखबीर सिंह बादल चुने गए ने प्रधान। वड्डी खबर लगातार तुसी वेख रहे हो, सुखबीर सिंह बादल लैके वड्डी खबर लगातार तुहानू विखा रहे हैं। जिन्हें भी अकाली दल के सीनियर आगू सी, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के ना का प्रधानगी ना का प्रपोजल दिता है। तोता सिंह ते उस तो बाद प्रेम सिंह चंदू माजरा इन्होंने भी तायद की है। मजीद तायद जी है जगमीत सिंह बराड़ ने उस तो पहलों की है। तेरा सर्वसम्मति नाल फिलहाल सुखबीर सिंह बादल जड़े ने प्रधान चुने गए ने। समुचे हाउस जयकारिया की गूंज नज़र आई है ते समर्थन मुड़ फेर तो सुखबीर सिंह बादल नू ही मिले है। नवे प्रधान चुने गए ने। दलजीत सिंह चीमा बीबी जगीर कौर ने भी उन्हां दे समर्थन च हामी भरी है, अरदास नाल सारा काम शुरू होया है। सुखबीर सिंह बादल तेजा सिंह समुद्री हॉल च मौके पर मौजूद ने। ते बाकी प्रकाश सिंह बादल की गल की जाए तो तबीयत नासाज सी उन्हां दी, इस करके शामिल नहीं हो सके। दूजे पास बाकी सारे अकाली दल के लीडर मौके पर मौजूद सी। उस तो बाद असीं हमेशा सारे अधिकार जिहड़े आ हुण तक दीआं जो पार्टी दीआं रवायतां आ ते ओह सारे प्रधान साहब नूं दिंदे आ कि ओह सीनियर लीडरशिप दा भरोसे च लै के जिहड़ी वर्किंग कमेटी बनाउणी आ, जिहड़े अहुदेदार बनाउणे आ, ओह सारी आपणी टीम आ सारयां नूं ओह जाणदे आ, जिस तरह ठीक समझण ओह कर लैण। इह वी जो हाउस दी प्रवानगी होवे मैं एक वारी फिर जकारा लाउण लग्गिआ, चंगी तरह प्रवानगी होनी चाहिए है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मुबारकबाद भी देना साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब न जोड़े फिर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान चुने गए हैं, और चौथे तौर पर जितने तहनों भी सारे वधाई है, उत्थे साढ़े सत्कारयोग भैन जी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी भी साडे विच हाजिर ने, उन्होंने भी चेचे तौर उत्ते मैं मुबारकबाद देना। हुण जिहड़े मते आ जिहड़ी कि स्पिरिट आ हाँ जी, प्रधान जी नूं बेनती आ कि उपर आ जाओ जी स्टेज ते। चंद्रमा जी साहब की टैक्निकली गल ठीक है जिंदा जिंदाबाद।
मैं प्रधान साहब का सम्मान भी किया जाना है। मैं भैन जी ने भी बेनती करता कि वह भी स्टेज पर आन, वह भी नाल आन, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का भी और साढ़े भैन जी दरदार सिमरत कौर बादल जी, कृपा करके तुम भी स्टेज पर चलो, दो मिनट वास्ते नहीं तुम वापस आ जाना, सम्मान नाल लेना पड़ेगा। तुम चलो भैन जी, बेबा जी को बेनती है कि दो मिनट स्टेज पर वह भी सम्मान हासिल कर। बेबा जी प्रबंधक कमेटी वालों भी प्रधान साहब का सम्मान किया जा रहा है। सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा साहब प्रधान दिल्ली कमेटी के, पटना साहब के प्रधान साहब सरदार अवतार सिंह जी हित साहब भी बेनती है कि वह सचखंड श्री पटना साहब के प्रबंधकी कमेटी वालों भी सम्मान करेंगे। पटना साहब जनरल अवतार सिंह जी हित साहब, तख्त श्री पटना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है जी सारे, कृपा करके ये ही इलेक्शन की जी सारी प्रक्रिया सभी वो मुकम्मल होंगी है। और एक बार फिर सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदड़ साहब का धन्यवाद है, उन्हों का सम्मान भी किया जा रहा है। सारे बैठन की कृपालता करो जी। सब तो पहला हम मते जी स्पिरिट होंगी है किसी भी एकता भी वह पढ़े जाएंगे। सब तो पहला मैं बेनती करूंगा डॉक्टर अपिंदरजीत कौर जी, साडे कोर कमेटी के मैंबर सबका कैबिनेट मंत्री, कि वह आके साढ़े 500 साल का जो समागम होया वो संबंध में मता करेंगे। डॉक्टर अपिंदरजीत कौर जी सतगुरु की मेहर के पात्र परम सत्कारयोग परम कृपालू अज के इतिहासिक दिवस के सैशन के जनरल अजलास के मोजिस डेलीगेट साहेबान ते प्रेस के सत्कारत मैंबर साहेबान, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत मुबारक दिन है, इतिहासिक दिहाड़ा है कि साढ़े नतड़क जरनैल नौजवान जरनैल मानयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल तीजी बार सर्वसम्मति दे नाल समूह डेलीगेट साहिबान वालों श्रोमणी अकाली दल का प्रधान चुनिया गया है। सो इस मुबारक के इतिहासिक मौके पर मैं प्रधान साहब नू हार्दिक मुबारकबाद पेश करती हाँ, तो उन्हां दी चढ़दी कला ली सतगुरु अगे
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ੋ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਰਲਡ ਮੈਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਮੈਪ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਸਤ ਆਨਵਰਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡਿਟੇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਸ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਹੰਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ, ਚੁੰਗ ਬਾਗ ਸਿੱਕਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ, ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਿਆ
ते परंपरावां अनुसार रोजाना दी मर्यादा बहाल की जा सके, सिख सिद्धांत अनुसार मर्यादा बहाल की जा सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप जी की प्रोड़ता, आप जी की प्रवानगी। अगले मते वास्ते मैं बेनती करता सरदार महेश अंदर सिंह जी गरेवाल साहब नूं कि वह अगला मता पेश कर। अज दे इस इतिहासिक डेलीगेट सैशन विच जिस विच आने वाले 5 साल लई श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब दी हाउस हुणे ही चोण करके हटे है। सो मैं अपनी गल करन तो पहला हार्दिक मुबारकबाद दिना सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं कि जिहड़ी पंथ ने अज उन्हां नूं सेवा दित्ती है, ये वो इतिहासिक पार्टी है जिहदा इतिहास दूसरियां राजसी पार्टियां नालों बिल्कुल नवेकल है। बड़ा गल्लां चलदियां ने कि जे श्रोमणी कमेटी विच अकाली दल दखल दिंदा है। मैं उन्हां लोकां नूं दसना चाहुंदा अज इस स्टेज तो कि 15 नवंबर 1920 नूं उस वेले पंथक नुमाइंदियां ने इकट्ठे होके महंता तो गुरद्वारियां दा प्रबंध खो के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तैयार की। श्रोमणी कमेटी तैयार होने तो बाद उन्होंने विचार किया कि इस पंथक जमात की वार्ड भी कोई बनानी पवेगी राखी लई, एक राजसी विंग भी बनाना पवेगा जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की वार्ड के तौर पर काम कर सकेगा। 14 दसंबर 1920 श्रोमणी अकाली दल का पहला प्रधान जथेदार सरमुख सिंह चबाल बने। अज उस पार्टी नू बड़े नू पूरे 99 साल हो गए। शख्सियत ने तोड़ जी, संत बाबा फतेह सिंह जी, जथेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी, 1986 श्रोमणी अकाली दल बादल स्थापित होया जिसके प्रधान सरदार प्रकाश सिंह जी बादल बने। 1996 जिहड़ा पहला अकाली दल सी जद श्रोमणी अकाली दल बादल बनाया, उन्होंने अकाली दल बादल विच अपने आप नूं मर्ज करके आखिर 1 नवंबर 1966 श्रोमणी अकाली दल की फतेह हुई। पंजाबी बोली के आधार से सूबा स्थापित होया जिहड़ा मौजूदा पंजाब है। एमरजेंसी लाई गई, मनुखी अधिकार खोए गए, मुखी मनुखी अधिकारां दी मुड़ बहाली लई श्रोमणी अकाली दल नूं किसे लीडर नूं फड़िया नहीं सी, पर अकाली दल ने आप फैसला करके संघर्ष आरंभिया। अकाली दल की समुची लीडरशिप 19 महीने जेलां च रही। मैं इत्थे तुहाडे नाल इक गल जरूर सांझी करनी चाहूँगा जिहड़ी गल मैनू जथेदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा ने दसी कि जद एमरजेंसी लगी तो उल्ट मोर्चा लग्या अकाली दल दे विच
लीडरशिप का एक विचार नहीं सी। कुछ चाहते सी जो सेंटर की ऑफर एक्सैप्ट कर ली जाए, क्योंकि सेंटर की ऑफर यह सी कि पंजाब च राज तुसी करो, दिल्ली सानू छेड़ो ना। पर टौड़ा साहब कहिंदे बादल साहब वाहद लीडरशिप विचों जिन्हां ने इस गल ते स्टैंड लिया कि असी राज नहीं लैना, असी संघर्ष करना, असी मनुखी अधिकारां दी बहाली करवाउणी है। दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट जारी कराया ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने पंथक सरकार ने कीती, पंथक विरासत नूं संभालिया। भावें विरासत खालसा, भावें कुपर हीड़े वड्डे घल्लूघारे की याद बनाई, भावें कानूवान छोटे घल्लूघारे की याद बनाई, तो मैं एक गल विशेष तौर पर सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं वधाई दिते बिना नहीं रह सकता कि आ जिहड़ी सिख हैरीटेज दरबार साहब के सामने बनी है 218 करोड़ के करीब। मैनू याद है उदों सरकार दे समा समाप्त होने के केवल 2 साल तो घट समा रहिंदा सी, ते असी सोचते सी कि जिड्डा वड्डा काम रंभिया ये काम शायद नेपरे ना चढ़े। पर इस गल लई वधाई दे पात्र ने सरदार सुखबीर सिंह बादल। हर हफ्ते श्री अमृतसर साहब आके निगरानी करके गुरु रामदास की आशीर्वाद लई सामने प्लाजा बनवाया ते सिख हैरीटेज वॉक बनाई, जिहदे लई प्रधान साहब इतिहास हमेशा इस गल नूं याद रखेगा। सो अज इस शाना मत्ती माना मत्ती इतिहास वाले श्रोमणी अकाली दल ने माण दिता सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं। ते मैं एक गल कह भी सकदा हां कि जिहड़ा बंदा मैनेजर अच्छा है, जिहड़ा मैनेजमेंट अच्छी करदा है, जिहदी दूरदृष्टि है, जिहदा विजन है, जिहड़ा एंटीसपेट कर सकदा चीज़ां, उही विखड़े समयां विच पार्टी नूं लीड कर सकदा। अज जिहड़े समें विचों श्रोमणी अकाली दल दा नाल हो रहियां ज़्यादतियां ने मौजूदा सरकार वल्लों ते पिछलियां कीतियां कांग्रेस दियां सरकारां वल्लों, जे उन्हां दा मूंह ढुकवां ते उत्तर दे सकदा केवल के केवल सरदार सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई च श्रोमणी अकाली दल दे सकदा। बहुत गल्लां सी करन नूं पर चीमा साहब थोड़े जे हिलण दे लग पए, हुण मैं भी समझ गया इशारा तां ते मैं मते दे पाजा गल भी करनी आ पर इत्थे हिस्टोरिकल फैक्ट ना अज मता मैं जिहड़ा पढ़न लग्या उहदे लई वी तुहानूं माड़ी जी कहिंदे आ ना डाक्टर तों वी दवाई लैण जाओ तां अगला पुछदा कि ब्लड प्रैशर तां नहीं, शूगर नहीं, हुंदा बुखार आ, क्यों पुछदा कि मैं दवाई उह देवां जिहड़ी असर करे। जिहड़ा मैं मता पढ़न लग्गा इह बीमारी भी कांग्रेस दी देण है, जिहड़ी पंथ दोखी जमात है, सूबे बहुत बणे मुल्क विच पर किसे दी राजधानी नहीं खोही गई। पंजाब की राजधानी खोई गई क्यों? तुहाडी अणख ते गैरत नूं सट मार लई कि सिख धौण उच्ची करके ना तुरे, पंथ धौण उच्ची करके ना तुरे कि तुसीं राजधानी च किराएदार तौर ते बैठोगे, तुहानूं राजधानी नहीं देनी। पंजाबी बोलदे इलाके खोहे ते इत्थे तक गल है कि पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने तो सारिया बेशर्मी हद्दां टप दित्तियां। पंजाब दी हाई कोर्ट विच एक मामला गया सर्विस मैटर दा, ते हाई कोर्ट ने सवाल किया हरियाणे नूं कि चंडीगढ़ ते तुहाडा कोई क्लेम, उन्होंने जवाब देता असीं नहीं क्लेम करते, असीं दफ्तर च बैठे सी चीमा साहब कोल। मैं क्या हुण पंजाब ने एफीडेविट देना ते लगातार वड्डी खबर तुहानूं सुखा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल नूं प्रधान चुन लिया गया, 600 तो बाद डेलीगेट्स मौके पर मौजूद से इजलास सरबसंबंधी नाल प्रधान चुने गए हैं सुखबीर सिंह बादल। तीजी बार प्रधान बने गए हैं सुखबीर सिंह बादल, तीजी बार उन्होंने सेवा का मौका मिला है। अमृतसर तो वड्डी खबर लगातार तुसी वेख रहे हो, इस समय तेजा सिंह समुद्री हॉल च प्रोग्राम चल रहा है। श्रोमणी अकाली दल के लगातार तीजी बार प्रधान चुने गए हैं सुखबीर सिंह बादल। श्रोमणी अकाली दल का 99वां स्थापना दिवस चल रहा है, आज 100वां
साल लग चुके हैं। पहला दिन हैगा इन्हां नूं श्री हरिमंदर साहब विखे श्रोमणी अकाली दल वालों उत्साह सहित मनाया जा रहा है। इस मौके श्रोमणी अकाली दल ने सारे पंजाबियों नूं वधाइयां भी दित्तियां हन। अकाली दल वालों पार्टी के 99वें स्थापना दिवस के संबंध च गुरद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह जी की धरती से फिलहाल श्री अखंड पाठ साहब के भोग अज पाए गए हैं। तीजी बार प्रधान चुने गए हैं। इस उपरंत श्रोमणी अकाली दल के सारे मैंबरान मौके पर मौजूद ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तेजा सिंह समुद्री हाल तो तस्वीर तुम वेख रहे हो। डेलीगेट इजलास अच होया। इस दौरान बादल मुड़ तो प्रधान चुने गए हैं। हालांकि जो पार्टी की होंद सामने आई तो 14 दिसंबर 1920 यह पार्टी बनी सी। तो पहले प्रधान सुरमुख सिंह झबाल बने सी। तो बादल नूं मुड़ फिर तो मौका मिलिया हैगा। भाईवें प्रधान सुखबीर सिंह बादल बने ने। सुरमुख सिंह जी तो बाद भाईवें प्रधान इन्हों चुने गया है। हालांकि 24वीं बार यह मौका मिले किसी भी प्रधान नूं ते 3 बार इन्हों चुने गया। श्रोमणी अकाली दल का डेलीगेट इजलास किवें दा चल रहा है तुसीं साफ तौर पर वेख्या हैगा। सब तो पहला सुरमुख सिंह प्रधान चुने गए सी। बाबा खड़क सिंह दूजे नंबर ते, करम सिंह बसी तीजे नंबर ते, मास्टर तारा सिंह चौथे नंबर से, गोपाल सिंह कौमी 5वें नंबर ते, तारा सिंह, तेजा सिंह, बाबू लाभ सिंह, उधम सिंह ते ज्ञानी करतार सिंह ते प्रीतम सिंह वर्गे कई प्रधान अजे तक चुने गए ने। शाना मते इतिहास नूं दुनिया विच उजागर कीता मानजोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सरप्रस्त श्रोमणी अकाली दल दियां लीहां ते चलदियां होइयां जो सानूं वड्डी शक्ति विच उभार के रखिया सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब। सारे पतवंते सज्जन, सारियां महान शख्सियतां ते सारे डेलीगेट साहिबान फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा मन करदा सी कि श्रोमणी अकाली दल दे इतिहास के संबंध में तो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब दी कुरबानियां तो श्रोमणी अकाली दल के योधियां दी जो कुरबानियां शहादत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं स्थापित करने विच जां हर वर्ग नूं बुक्कल विच लै के उन्हां दीआं दुखां तकलीफां दे बहुत वड्डे उपराले करके जो उन्होंने उन्होंने सुख आराम दिते उहदे संबंध विच कुछ कहां। दुनिया के कोने कोने विच इस पार्टी ने अपनी थां बनाई। केवल सिखां दी नहीं, किसी धर्म किसी जात किसी वर्ग ते कोई मुसीबत आई भावें वह देश विच है भावें विदेश विच है हमेशा ही अगे वध के अपनियां कुरबानियां कीतियां। मैं उहदे संबंध विच मेरा मन करदा सी खुल के बोलां, लेकिन मैनू जिहड़ा एक मता दित्ता गया बहुत ही इंपोर्टेंट ते तुहाडी दिल दी जिहड़ी आवाज़ है जो तुसीं अंदरूनी ते बाहरी शक्तियां कोलों अपनियां बहुत वड्डियां मुश्किलों का सामना करके इतने तक पहुँचे हो उस संबंध में मैं मता पास कर रख लगी हैं। तो मैं आस है कि तुम पूरी अपनी जोशो खरोश के उस मते प्रवानगी दोगे। मता भी लंबा है तो ये बिल्कुल तुहाडे दिलां टुंबण वाला मता है कि अज जिहड़ियां शक्तियां सानू कमजोर करनियां चाहुंदियां उहदे उत्ते तुसीं किस तरह अपनी ताकत वरत के उन्हां नूं कमजोर करना तो अपनी पार्टी नूं मजबूत करना। अज का मता है कि अज की यह एकत्रता पिछले कुछ समय तो पंजाब के कुछ हताश से वार वार नकारे जा चुके कुछ अंसर वालों पंथ से पंजाब दुश्मन कांग्रेस अते कुछ होर शक्तियों की शह उत्ते पंथ की महान विलखण अते नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल नूं ढा लाउण की साजिश अधीन अपनी खोखली सियासी दुकान खोलन की घिनौनी कोशिश नूं पंथ अते पंजाब नाल गदारी का एक होर असफल अते हासोहीणा उपराला समझदी है।
श्रोमणी अकाली दल की स्थापना तो लैके अज तक 99 साल दौरान समय दियां सरकारां वालों खालसा पंथ की रूहानी अते सियासी शक्ति के सोमिया उत्ते वार बार अते लगातार लुकमे अते साजिश ढंगां दे हमले किए जाते रहे हैं। इन्हां साजिशां का इको एक मकसद पंथ की रूहानी अते धार्मिक शक्ति संगठित करने वाली पंथ की नुमाइंदा संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते पंथ दे पंजाब दे सियासी जलाओं अते जाहो जलाओं दे प्रतीक श्रोमणी अकाली दल नूं पंथक जज्बियां सुपनियां अते आकांखां खाशां दी प्रतिनिधता करन उत्ते उन्हां नूं अगे वधाउण तों रोकणा ही रहा है। पंथ दीआं महान संस्थावां अते सियासी जथेबंदी उत्ते इस लई वार वार हमले किए जाते रहे हैं तां जो पंथ जज्बा एक बुलंद आवाज विच दुनिया सामने ना उभर सके अते पंथ दीआं सफां अंदर फुट दे प्रभाव नूं कायम रखा जा सके। इतिहास इस गल दा अगवाह है कि शुरू तो ही अंग्रेजा अते इंदिरा गांधी वर्गे तानाशाह ने कदे जुल्म अते तशद्दद नाल पंथ दी आवाज नूं दबाउण दी कोशिश कीती अते जदों ये हरबा कामयाब ना होया तां पंथक सभा अंदर घुसपैठ करन दी कोशिशां नच के पंथक चोलियां अते पंथक मखौटियां दे छलावे दा प्रपंच रच के पंथक शक्ति खेरू खेरू होण दा प्रभाव देण दे जतन हुंदे रहे। कदे श्रोमणी कमेटी नूं भंग करन दीआं धमकियां कदे इस दी थां वोट बनाउण दीआं साजिशां अते कदे श्रोमणी अकाली दल अते समुच्चे पंथ देश विरोधी गिरदान के पार्टी उत्ते पाबंदी लाउण दीआं किद्दड़ भौकियां तो कम लिया जांदा रिहा। जदों धमकियां ते डरावे कम ना आए तां फिर पंथ सभा अंदरों ही कुछ अंसरां नूं गुमराह करके वखरियां दुकानां ते सियासी खोखे खलवाए गए। लेकिन पंथ की रूहानी शक्ति अते सियासी बल बूते सदका पंथ अते श्रोमणी अकाली दल विरुद्ध रचियां गईयां ये सब साजिशां पंथ ने ही मुद्दे मुख करके सुट दित्तियां। हुण एक बार फिर एक तजर्बा मुड़ दोहराउण दी साजिश अपने नज़र आ रही है जदों कांग्रेस पार्टी अते कुछ होर शक्तियां आप आमो सामने आ के श्रोमणी अकाली दल टकराव करन दी हिम्मत विखाउण दी जगह कुछ नाम निहाद पंथक अंसर जिन्होंने खुद ही अपना नाम टकसाली रख लिया है उन्होंने एक नवी दुकान खोल के दी गई है ताकि वह पंथक सभा अंदर भंबल भूसा पैदा कर सकन। हासोहीणी गल यह है कि इन्होंने शामिल कुछ अंसर कुछ व्यक्ति श्रोमणी अकाली दल अते उसकी सरकार दियां उन्होंने नीतियां ते फैसलों की नुक्ताचीनी करते सुने जा रहे हैं जिन्हां नीतियां ते फैसलों नूं करन समय वह खुद ही पार्टी विच मोहरी रोल निभा रहे सन। उन्हां दा यह दोगलापन बच्चे बच्चे नूं नज़र आ रहा है पर वह कबूतर वांग अखां बंद करके ये सोच रहे हैं कि उन्हां दी असलियत किसे नूं नज़र नहीं आ रही। पंथ दे दुश्मनां वल्लों भाड़े उत्ते रखे ये अंसर ये चंगी तरह जानते हैं कि पंथ ने ना उन्हां नूं पिछलियां चोणां विच मूंह लाया अते ना ही वह किसी पिंड की पंची की चोण जितने की समर्था रखते हैं। हादसे की गल यह भी है कि ये लोग खुले आम अखबारा अखबारों यह बयान दे रहे हैं कि इन्हों का इको एक मंतव श्रोमणी अकाली दल की सरकार तो रोकना अते कांग्रेस की सरकार मुड़ बना ही है। फिर भी ये अपने आप को टकसाली दसन का बजर पाप करने तो गुरेज नहीं करते। अज की एकत्रता समुचे पंथ अते समूह पंजाबियों इन्हां सियासी दुकानदारां दे असली मंतवां विरुद्ध सुचेत करती है क्योंकि इन्हां दी असली मंतव सिर्फ ते सिर्फ पंथक सभा विच पंबल पुस्सा पैदा करके कांग्रेस पार्टी दी मदद करना है। प्यारे वीरों मैं जिथे आप जी नूं अज दी इस महान इकत्रता विच मानजोग प्रधान साहब जी दी चोण सरदार सुखबीर सिंह जी बादल बताओ मुख सेवा दा श्रोमणी अकाली दल दी तुसीं सारिआं नूं सरबसम्मति दा प्रधान चुणे है उत्थे जिथे वधाई दिनी है बादल साहब नूं भी तुहानूं भी ते अरदास करदी है सच्चे पातशाह कि ये सारे शक्ति सरदार प्रकाश सिंह जी बादल को जो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने गुरती विच रही है उन्हां दीआं नसां विच उन्हां दीआं नाड़ां विच जो बादल साहब ने भरी है वह पूरी शक्ति नाल साडी कौम की सेवा कर सकन। मते दी प्रवानगी मैं जकारा छड्डांगी आप सब ने देनी बोलो सो निहाल खुला चुका जी माफी दे जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। अगला मता सरदार हरमेल सिंह जी
ਤੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਵਰੀਆ ਪਾ ਲੈਣ। ਰਾਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਗੱਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੀਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 0181 502 0070।